भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, इसीलिए दुनिया की अग्रणी कार मैन्युफैक्चरर्स की नज़र इस मार्केट पर बनी हुई है। मॉरिस गराजेस और किया मोटर्स की ह्यूज सक्सेस के बाद अब एक और कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। उसका नाम है ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल मोटर्स की SUVs हमेशा हाईएस्ट सेलिंग SUV में रहती हैं चाइना में। फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो 2020 में ग्रेट वॉल मोटर ऑफ चाइना ने पार्टिसिपेट किया था और ट्विटर पर यह कंफर्म भी किया था कि वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट जल्द लॉन्च करने वाले हैं। 2020 के अंत या 2021 के शुरुआत में ग्रेट वॉल मोटर्स की SUVs लॉन्च हो जाएंगी। और ग्रेट वॉल मोटर के अंदर चार कंपनी आती हैं, जिनमें से एक है हवल, जिसकी SUV इंडिया में लॉन्च की जाएंगी। इन चारों कंपनी के नाम हैं, पहली है हवल, दूसरी वे, तीसरी ओरा और चौथी है ग्रेट वॉल। हवल SUVs बनाती है, वे प्रीमियम SUVs बनाती है, ओरा इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और चौथी है ग्रेट वॉल जो पिकअप ट्रक्स बनाती है। हम बात करेंगे हवल के बारे में। हवल के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, कौन कौन सी SUVs हैं, इसके बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन सेफ्टी फीचर्स के साथ ये गाड़ियाँ आती हैं और जिस प्राइस रेंज में चाइना में बिकती हैं, अगर उसी प्राइस रेंज में इंडिया में आ जाएँ तो इसकी ही सारी कारें टॉप सेलिंग SUVs में हमेशा शामिल रहेंगी, क्योंकि प्राइस इतना कम है फीचर्स को देखते हुए कि इंडिया में लॉन्च होने के बाद से ये कारें भी किया सेल्टोस और MG हेक्टर की तरह तहलका मचा सकती हैं। किया सेल्टोस जो अभी पिछले साल ही लॉन्च की गई है, लॉन्च होने के बाद से ही टॉप 10 सेलिंग SUVs में आ गई है। उसके अलावा वो हमेशा नंबर 1 पर बनी हुई है पिछले 2-3 महीनों से। अगर ऐसा इन कार्स के साथ भी होता है, अगर ये लॉन्च होती हैं इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ, तो ये कारें भी टॉप सेलिंग SUVs में आ सकती हैं। तो बात करते हैं ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना के हवल प्रोडक्ट की SUV के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हावर्ड F7X के बारे में। ये एक SUV है जिसका कंपटीटर होगा हेक्टर, सेल्टस और क्रेटा। हावर्ड F7X में चाइना में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो 166 bhp की पावर और 285 nm का टॉर्क जनरेट करता है। बात करें इसके माइलेज की तो ये 15.15 kmpl का माइलेज देती है। इसके अलावा इसमें फुल्ली लोडेड फीचर्स दिए हुए हैं, चाहे वो सेफ्टी फीचर्स हों या गाड़ी के फीचर्स हो। बात करें हावर्ड F7X के फीचर्स के बारे में तो ये फुल्ली लोडेड कार है फीचर्स से। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिकल ड्राइवर्स एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, मेमोरी सीट्स का फंक्शन इसमें आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक पार्किंग इसमें आपको मिल जाती है, 360 व्यू पार्किंग कैमरा इसमें दिया हुआ है, 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले इसके अंदर दिया हुआ है, LED हेडलैम्प्स हैं, डुअल जोन AC है, ट्रैफिक जाम असिस्ट है इसके अंदर। सेफ्टी के फीचर्स की बात करें तो ABS, EBD, 6 एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर माइग्रेशन, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, फ्रंट कोलिशन वार्निंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऐसे सेफ्टी फीचर्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। ये सब प्रीमियम कार्स में देखने को हमें मिलते हैं जो इस हावर्ड की F7X में मिल जाते हैं। बात करें इसके प्राइस की तो चाइनीज़ मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से यह गाड़ी आपको 12,31,000 से 15,90,000 रुपये की मिल जाती है। इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ गाड़ी सिर्फ 12.5 लाख रुपए में आपको मिल जा रही है। हावर्ड F7X का एक और वर्ज़न है हावर्ड F7, जो एक दूसरी गाड़ी है। इसमें ज़्यादा पावर दी हुई है लेकिन थोड़े कम फीचर है। ये गाड़ी आपको 11,40,000 से 15,80,000 रुपए के बीच मिल जाती है चाइनीज़ मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से। तीसरी गाड़ी की बात करें तो ये है F5। इसमें भी आपको 1.5 लीटर का इंजन दिया जाता है जो 166 bhp की पावर और 285 nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी भी फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ आती है। इसमें भी ऑटोमेटिक पार्किंग, 360 डिग्री कैमरा, ड्राइविंग मोड, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, डुअल AC, पैनोरामिक सनरूफ आदि फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। ये गाड़ी का प्राइस शुरू होता है 10,30,000 रुपये से और 13,18,000 रुपये तक जाता है। इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स और फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ इतने कम प्राइस में ये गाड़ियाँ अगर इंडिया में लॉन्च होती हैं तो यहाँ पर भी तहलका मचा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कार की तरफ जो हवल की ही है M6। M6 में 1.5 लीटर का इंजन दिया गया है जो 147 bhp की पावर और 210 nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी ऊपर की जो दो कार मैंने आपको बताई उन दोनों से फीचर तो इसमें कम मिल जाते हैं, लेकिन ये एक फैमिली पैक कार है।
इंडियन करेंसी के हिसाब से चाइनीज मार्केट में इस गाड़ी का प्राइस शुरू होता है 6,79,000 रुपए से और जाता है 8,45,000 रुपए तक। इतने कम फीचर में इतनी शानदार कार जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर ऐसे ही इंडिया में लॉन्च कर दी जाती है तो ये टॉप सेलिंग कार्स में आ सकती है। और अगर 1-2 लाख फालतू भी इसके लिए लिए जाएंगे तो भी लोग इसको आसानी से खरीद लेंगे, इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स वाली कार्स को। बढ़ते हैं अगली गाड़ी पर। हमारी नेक्स्ट कार है H9। ये एक SUV है जो कंपटीटर होगी फॉर्च्यूनर और इंडेवर की। ये एक 7-सीटर SUV है। इसमें आपको चाइनीज मार्केट में 2.0 लीटर का इंजन मिल जाता है जो 221 BHP की पावर और 385 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो 10 KMPL का क्लेम किया जाता है। इसमें भी वही सारे फुली लोडेड फीचर मिल जाते हैं और इसकी चाइनीज मार्केट में प्राइस इंडियन करेंसी के हिसाब से शुरू होती है 21,61,000 रुपए से और 26,35,000 रुपए का इसका टॉप मॉडल मिल जाता है। अगली कार की बात करें, उसका नाम है H7। इसमें भी 2.0 लीटर का इंजन मिल जाता है जो 224 BHP की पावर और 385 NM का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो ये 12.98 KMPL का क्लेम किया जाता है। फुली लोडेड फीचर्स के साथ ये गाड़ी की प्राइस शुरू होती है 14,63,000 रुपए से और 18,54,000 रुपए तक जाती है चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से। अगली गाड़ी है H6। H6 के इंडिया में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं और हो सकता है कि सबसे पहले यही लॉन्च की जाए इंडिया में। H6 को अगर इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो इसके कंपटीटर्स होंगे सेल्टॉस, हेक्टर और क्रेटा। ये भी फुली लोडेड फीचर्स के साथ आती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली कार में बताए थे। इसकी प्राइस शुरू होती है चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से 10,71,000 रुपए से और 14,53,000 रुपए तक जाती है। ये गाड़ी दिखने में इतनी ज़्यादा प्रीमियम लगती है और इसके प्राइस के हिसाब से और इसके सिक्योरिटी फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स को देखा जाए तो ये गाड़ी भी तहलका मचा सकती है अगर इंडिया में लॉन्च की जाती है एज इट इज़, जैसे ये चाइनीज मार्केट में बिक रही है। और इसे अगर 1-2 लाख फालतू में भी लॉन्च की जाएगी तो भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जो H6 का ही कोपे वर्जन है। इसकी प्राइस शुरू होती है 8,23,000 रुपए से और जाती है 12,26,000 रुपए तक। अगली कार है H4। H4 भी इंडिया में लॉन्च होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से इस गाड़ी की प्राइस शुरू होती है 7,61,000 रुपए से और 11,84,000 रुपए तक जाती है। सारे वही फीचर्स हैं इसके अंदर, सारे सेफ्टी फीचर्स और एडवांस फीचर के साथ भी ये गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। और इंडिया में अगर इस गाड़ी को लॉन्च किया जाता है तो ये गाड़ी बहुत ही आसानी से टॉप सेलिंग की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। हमारी अगली गाड़ी है H5। चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से 12,13,000 रुपए से 14,09,000 रुपए की ये गाड़ी मिल जाती है, जो कि एक फुल्ली लोडेड कार है। अगली गाड़ी है एक सस्ती SUV H2। H2 की प्राइस शुरू होती है 7,81,000 रुपए से और 9,88,000 रुपए तक जाती है। ये प्राइस चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। अगली गाड़ी है S2S, जो इसका ही अगला वर्जन है, जो इससे थोड़ी सस्ती है। 7,21,000 रुपए से शुरू होकर के इसकी प्राइस जाती है 8,76,000 रुपए तक। तो ये कार्स थी ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना के हबल प्रोडक्ट की, जो इंडिया में लॉन्च हो सकती हैं। इनमें से कुछ कारें H6 और H5 के ज़्यादा चांसेस हैं इंडिया में लॉन्च होने के। ग्रेट वॉल मोटर की ही एक दूसरी सब्सिडरी है वे, जो प्रीमियम SUV बनाती है। मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके 3 प्रोडक्ट आते हैं, P8, VV7 और VV5। P8 में पावरफुल इंजन प्लस बैटरी दिया हुआ एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है जो 340 BHP की पावर और 524 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसका माइलेज 42 KMPL क्लेम किया जाता है। बात करें प्राइजेस की तो एक प्रीमियम SUV की प्राइस शुरू होती है 26,76,000 रुपए से 28,82,000 रुपए तक चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से। दूसरी है VV7। इसमें भी 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 230 BHP की पावर और 360 NM का टॉर्क जनरेट करता है। VV7 एक प्रीमियम SUV है जिसका माइलेज 12.5 KMPL का क्लेम किया जाता है, वहीं इसकी प्राइस 17.28 लाख से 28.92 लाख तक जाती है। तीसरी कार है वे कंपनी की VV5। ये भी एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम SUV है। इंडियन करेंसी के हिसाब से चाइना में इसकी प्राइस 15,45,000 से शुरू होकर के 16,89,000 रुपए तक जाती है। तो ये थी ग्रेट वॉल मोटर्स की कार्स। तो दोस्तों, ये थे हवल के सारे प्रोडक्ट्स। हवल एक ग्रेट वॉल मोटर के अंदर आने वाली एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट लॉन्च हो सकते हैं इंडिया में इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में।
तो आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट तहलका मजा पाएंगे? तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना के ये प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगे, इनमें से कौन सी कार आप चाहते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो। मेरे ओपिनियन के हिसाब से इनमें से जो भी कार इंडिया में लॉन्च हो तो सेम सेफ्टी फीचर्स और सेम कार फीचर्स के साथ लॉन्च होनी चाहिए, और अगर इस प्राइस में 1-2 लाख एक्स्ट्रा भी लगते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ हमें गाड़ी मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी इंडियन मार्केट के हिसाब से, और इंडियन कंज्यूमर सबसे ज़्यादा सेफ्टी और गाड़ी के लुक्स पर ही ध्यान देते हैं। और अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा तो किया सेल्टर्स की तरह ही हिट हो जाएगा इंडियन मार्केट में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल OKCar247। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहां जाकर आप सर्च कर सकते हैं OKCar247। यहां पर हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं नई कार्स की पिक्चर्स, अपकमिंग कार्स की पिक्चर्स, और जो कार आ चुकी हैं या लॉन्च हो चुकी हैं उनकी पिक्चर्स। तो पिक्चर्स देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज को। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। OKCar247 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।